हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। और मारवाड़ के इतिहास में सबसे पहले हमने जोधपुर के राठौर वंश के बारे में पढ़ा, राव चूंडा के बारे में पढ़ा, रणमल के बारे में, जोधा के बारे में और राव मालदेव के बारे में पढ़ा। राव मालदेव के बारे में हमने चंद्रसेन की बात की, जो कि राव मालदेव के ही पुत्र थे। राव मालदेव के चार बेटे थे, राम, उदय सिंह, चंद्रसेन और रायमल। तो राव मालदेव, उन्होंने अपने दो जो बड़े पुत्र थे इनको उत्तराधिकारी ना बनाकर इनसे खुश नहीं रहते थे। तीसरे बेटे राव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस वजह से दोनों भाई जो हैं वो क्या होंगे, नाराज होंगे और नाराज होकर विद्रोह कर देते हैं और यहाँ से जो है वो चले जाते हैं। इनको निष्कासित कर दिया जाता है राव मालदेव के द्वारा राज्य से और यहाँ से चले जाते हैं मुगल दरबार में। और उस वक्त मुगल शासक कौन थे, अकबर। तो अकबर की शरण में जाते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये उदय सिंह ही थे जो कि सबसे पहले मारवाड़ में अकबर की अधीनता स्वीकारते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मोटा राजा उदय सिंह, उदय सिंह इनका वास्तविक नाम था। मोटा राजा की उपाधि इनको किसने दी थी, अकबर ने दी थी। 1583 से 1595 तक का शासन का समय रहा है। सबसे पहले जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के शासक रहे हैं। मोटा राजा की उपाधि इनको अकबर ने दी थी, किसमें, नागौर दरबार में। नागौर दरबार जो है अकबर ने इसीलिए लगाया था, जितने भी राजपूत शासक हैं वो आके अकबर की अधीनता स्वीकार करें। तो उदय सिंह कर लेते हैं, राम कर लेते हैं, लेकिन जो इनके भाई चंद्रसेन थे वो अकबर की अधीनता आजीवन तक स्वीकार नहीं करते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मोटा राजा उदय सिंह के जो है एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटे का नाम था किशन सिंह। 1609 ईस्वी में किशनगढ़ बसाता है ये। इनके बारे में एक ही लाइन याद रखें। पुत्री जो थी इनका नाम था जगत गोसाई। जोधाबाई भी इनको जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, जो बाद में इनका जो है जब विवाह हो जाता है उसके बाद में इनका नाम जो है जोधाबाई रखा जाता है। विवाह इनका किसके साथ होता है, जहांगीर से, जिसका उपनाम क्या था, खुर्रम था। ठीक है, अब मूवीज वगैरह में आप देखते हो अकबर का विवाह जोधा से हो जाता है, लेकिन आपको जो इतिहास है उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि जो जगत गोसाई यानी कि जोधाबाई जो है इनका विवाह किसके साथ किया जाता है, जहांगीर के साथ किया जाता है। इस विवाह पर उदय सिंह को 1000 मनसबदार भी बनाया जाता है। अब अकबर की अधीनता स्वीकार की है, उपाधि भी मिली मोटा राजा की, ठीक है, और 1000 मनसबदार भी बनाया जाता है उदय सिंह को। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण शासक है उदय सिंह के बाद में वो है गज सिंह राठौर। तो पुत्र जो है इनके अमर सिंह राठौड़ है, जसवंत सिंह है, अचल सिंह है। ठीक है, सबसे बड़े बेटे कौन है इनके, अमर सिंह राठौड़ हैं, सबसे छोटे जसवंत सिंह हैं और सबसे जो बीच में है वो है अचल सिंह। तो अमर सिंह राठौड़ को जो है वो नागौर सौंपा जाता है। ठीक है, नागौर का परगना जो है वो गज सिंह राठौड़ के द्वारा सौंपा जाता है। अमर सिंह राठौड़ इनको जो है कटार का धनी भी कहा जाता है। इनके बारे में महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि कटार का धनी जो है वो किस मारवाड़ के शासक को कहा जाता है, अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है। जब शाहजहां का मीर बख्शी जो है वो सलावत खां, इसने अमर सिंह को क्या कहा, गंवार कहा। जब दरबार में शाहजहां का जब दरबार लगा हुआ था तो इनका जो मीर बख्शी था सलावत खां, तो वो अमर सिंह को क्या कह देता है, गंवार कह देता है। तो अमर सिंह जो है वो अपनी कटार से सलावत खां की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं और तभी से जो है इनको ये उपाधि जो की मिली थी ये भी साबित हो जाती है सही कि कटार के धनी थे। और इसी जो है वो बात से जो मीर बख्शी सलावत खां है उसकी गर्दन धड़ से भी अलग कर देते हैं। इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वह है मतीरे की राड। तो मतीरे की राड क्या है, 1682 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक चली। राड क्या होता है, संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, ठीक है, विवाद होता है। बीकानेर के थे करण सिंह और यहां पर नागौर के थे अमर सिंह राठौर। तो ये जो विवाद है वो जाखड़िया गांव सीमा विवाद है। अब क्या होता है, यहाँ पर मतीरा क्या है, मतीरा यानी कि तरबूज। तो तरबूज की बेल जो कि कहां पर लगी हुई थी, बीकानेर में लगी हुई थी, लेकिन उसका जो फल है मतीरा जो है वो नागौर में आकर लगा। कितनी ही अचंभे की बात है। तो ये जो सीमा है ये बीकानेर और नागौर की सीमा पर ही ये जो है होता है। यहाँ जाखड़िया गांव है, यहाँ पर तरबूज की बेल जो है वो बीकानेर में थी। बात तो छोटी ही सी थी लेकिन धीरे धीरे आगे चल के जो है ये बात बहुत बड़ी हो जाती है और ये एक युद्ध में बदल जाती है। तो मतीरा जो है वो नागौर में जाकर लगा। तो इस वजह से जो है बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक है, और इसे मतीरे की राड के नाम से जाना जाता है। वाद विवाद जो है वो होता है। अमर सिंह का जो है वो दाह संस्कार नागौर में किया गया था। लाल किले के बुखारा द्वार को अमर सिंह के वीर गति होने पर ईंटों से
उसी दिन बंद करवा दिया गया था और बुखारा द्वार का नाम जो है वो अमर सिंह फाटक भी कर दिया गया था। उन 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील नामक एक अंग्रेज अफसर आता है और उसके आदेश पर ये जो बंद था फाटक बुखारा द्वार जो था उसको खोल दिया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जसवंत सिंह राठौड़, तो ये जो है जो गज सिंह थे उन्हीं के पुत्र थे जसवंत सिंह राठौड़। इनका शासन का समय 1638 से 1678 ईस्वी तक रहा है। जन्म इनका कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था 1626 ईस्वी में। तो जब इनके पिता गज सिंह की मृत्यु हुई थी तो उस समय जो है जसवंत सिंह जो है अपने विवाह के लिए कहाँ पर गए हुए थे? बूंदी गए हुए थे। ये भी आप याद रख सकते हो। दरबारी कवि जसवंत सिंह राठौड़ के कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति मोहनोत नैन्सी। और इन्हीं मोहनोत नैन्सी को अबुल फजल जो है किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है, ठीक है। तो मुहूर्त नैन्सी के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए मारवाड़ रा परगना री विगत और नैन्सी री ख्यात है। तो याद क्या रखना है जसवंत सिंह राठौड़ के बारे में? तो देखिए कम ही देखने को मिलता है क्वेश्चन, लेकिन मुहूर्त नैन्सी के बारे में तो पूछा ही जाता है। तो मुहूर्त नैन्सी से संबंधित है जसवंत सिंह राठौड़। मुहूर्त नैन्सी किसके दरबारी कवि हैं? जसवंत सिंह राठौड़ के। इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम क्या हैं? मारवाड़ रा परगना री विगत और नैन्सी री ख्यात। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको क्या कहा है? अबुल फजल कहा है मारवाड़ का। जसवंत सिंह जो है वो विद्वानों के आश्रयदाता थे, विद्वानों को जो है ये आश्रय दिया करते थे। इनके दरबारी विद्वान दलपत मिश्र जो थे इनका ग्रंथ था जसवंत विलास। जसवंत सिंह की पत्नी थी जसवंत दे, इन्होंने जोधपुर में कल्याण सागर तालाब बनवाया, राई का बाग बनवाया। इसके अलावा जो है विद्वान जो थे उनको आश्रय देते थे और बहुत से जो है वो अच्छे कार्य जसवंत सिंह के द्वारा कराए गए। जसवंत सिंह ने कागा उद्यान लगवाया, जसवंतपुरा कस्बा बसाया। इनके दो पुत्र थे अजीत सिंह और दल थम्मन। जसवंत सिंह का मंत्री था आसकरण। तो इन आसकरण के बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे जब अजीत सिंह का टॉपिक पढ़ेंगे। शाहजहां ने राजा का किताब और 4,000 जात और मंसब जसवंत सिंह को प्रदान किए थे। इसके साथ में आगरा का जो प्रबंध है वह भी 1645 ईस्वी में सौंपा। 1648 में शाहजहां के कहने पर जो है वो कांधार अभियान पर भी इनको भेजा गया। इनके समय में मुगल उत्तराधिकार युद्ध होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, तो जिसे धर्मत का युद्ध कहा जाता है 1657-58 ईस्वी को होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है और इस युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध जो है ये जो धर्मत का युद्ध है इसमें जसवंत सिंह किसका साथ देते हैं? दारा शिकोह का साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विश्वासघाती था कासिम खान, कौन था? कासिम खान जो था यहाँ विश्वासघाती था। इसके कारण जो है वो ये दारा शिकोह जो कि विजयी होता यहाँ पर हार जाता है और औरंगजेब विजयी हो जाता है। तो बुरी तरह से पराजित होने के बाद जसवंत सिंह जो है वो उनको जोधपुर लौटना पड़ता है और जोधपुर जब जाते हैं तो यहाँ पर जो महल के दरवाजे हैं किले के दरवाजे जो हैं वो इनकी जो रानी है उनके द्वारा नहीं खोले जाते हैं। रानी का ये कहना था कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी होकर लौटते हैं नहीं तो वहीं पर जो है वो मर मिटते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो हालांकि मेरे जो महाराज हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं तो मुझे भी सती होना है, ऐसी जिद पकड़ लेती है। तो कई लोगों के द्वारा उनको समझाया जाता है लेकिन वो नहीं मानती है। बाद में रानी की जो माँ है उनके द्वारा उनको समझाया जाता है और इस शर्त पर जो है वो द्वार खोले जाते हैं कि अपनी पराजय का बदला जो है वो जसवंत सिंह लेंगे और ये वचन करें, ठीक है। तो ये वचन करते हैं और इसके बाद जो है वो मुख्य द्वार खोल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मुगल उत्तराधिकार युद्ध होता है तो इसमें औरंगजेब और दारा शिकोह, इसमें से किसका साथ दिया था? जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था और उसमें ये पराजित भी हुए थे। कासिम खां के विश्वासघात से दारा शिकोह जो है वो पराजित होता है, जसवंत सिंह को भी हार कर जो है वो लौटना पड़ता है। जोधपुर पहुंचने पर जसवंत दे, इनकी पत्नी का नाम क्या था? जसवंत दे। तो इनके द्वारा किले के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं और यही जो है इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती हैं, अपनी जिद पर ये अड़ जाती हैं। 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया गया इनको जसवंत सिंह को, और अब जो है वो मुगल शासक कौन है? औरंगजेब है। औरंगजेब से मन मुटाव जो है वो समाप्त जब हो जाता है इनका, तो उसके बाद जो है 1659 ईस्वी में इनको सूबेदार बनाया जाता है। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ थे ये, लेकिन कुछ समय बाद मन मुटाव समाप्त होने के बाद गुजरात का सूबेदार औरंगजेब के द्वारा इनको बनाया जाता है। 1662 में शाइस्ता खां की सहायता से
सहायता के लिए इनको जो है दक्षिण भेजा जाता है। 1673 में इनको काबुल भेजा जाता है। 28 नवंबर 1678 में जमरूद में, नाम याद रखना है, कहां पर, जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था इनका बुरहानपुर में। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बुरहानपुर जो है यहाँ पर इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु जो है वो जमरूद में हुई थी। तो आपको ये सभी बातें जो है वो ध्यान में रखनी होगी, याद करनी होगी। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज याद करनी होगी कि इनके जो मंत्री थे उनका नाम क्या था, मुनोत नैन्सी था, जिन्होंने नैन्सी रिख्यात मारवाड़ रा परगना री विगत नामक ग्रंथों की रचना की थी। इनके समय के मुगल शासक जो थे कौन थे, शाहजहां थे, औरंगजेब थे। धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का जो है वो जसवंत सिंह ने साथ दिया था। बाद में जो है वो औरंगजेब के साथ जो है अच्छी बनने लग जाती है, तो उसके बाद इनको गुजरात का सूबेदार औरंगजेब के द्वारा ही इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखें शासक दुर्गादास राठौर। तो जसवंत सिंह जो है इनके मंत्री थे आसकरण, इनके बेटे का नाम था दुर्गादास राठौर। इनका जन्म जो है वो मारवाड़ के सालवा गांव में 1638 ईस्वी में हुआ था। दुर्गादास जो है वो जीवन पर्यंत अजीत सिंह के संरक्षक संरक्षक रहे। औरंगजेब ने जो है इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा था अजीत सिंह को, दुर्गादास ने क्या किया, इनकार कर दिया, और जोधपुर पर औरंगजेब का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आक्रमण कर देता है अकबर, और जब ये इनकार कर देते हैं कि हम जो है वो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, तो अजीत सिंह को लेकर जो है ये वहां से चले जाते हैं और जोधपुर पर औरंगजेब का अधिकार हो जाता है। तो औरंगजेब जो है वो जोधपुर को क्या कर देता है, खालसा भूमि घोषित कर देता है। तो खालसा भूमि का अर्थ क्या होता है, यानी कि केंद्रीय अधिकार क्षेत्र, यानी कि ऐसी भूमि जो कि बिल्कुल जिस पर डायरेक्ट जो नियंत्रण होगा वो बादशाह का होगा। ठीक है, और इस भूमि से जो भी आय प्राप्त होगी वो मुगलों के जो शाही कोष है उसमें जमा कराई जाएगी। अजीत सिंह को जो है वो कैद कर लिया जाता है और किशनगढ़ के रूप सिंह राठौड़ की हवेली में इनको रखा जाता है। दुर्गादास ने अजीत सिंह को आजाद कराया था और कालिंदी सिरोही में जयदेव पुरोहित के घर में सुरक्षित रखा था। ध्यान में रखिएगा कि अजीत सिंह को जो है कहाँ पर रखा गया था, तो यहाँ पर कालिंदी सिरोही में जयदेव पुरोहित के घर में इनको सुरक्षित रखा गया था। दुर्गादास के साथ में मुकुंद दास खींची भी थे और एक महिला गौरा की सहायता से भी इनको सुरक्षित रखा। तो कई लोगों के द्वारा जो है वो अजीत सिंह को जो है सुरक्षित रखा गया, क्योंकि अजीत सिंह की उम्र जो है वो बहुत कम थी और मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है गौरा को। आप ध्यान में रखिएगा, अजीत सिंह को सुरक्षित जो है वो मारवाड़ पहुंचाने में सहायता किस किस व्यक्तियों ने की, राठौड़ दुर्गादास ने तो की ही, पांचोली केसरी सिंह ने, भाटी रघुनाथ ने, राठौड़ सूरजमल ने और रणछोड़ दास ने। रणछोड़ दास जो है जो कि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए देखिए राठौड़ और सिसोदिया जो है वो गठबंधन भी होता है। यहाँ पर राठौड़ जो कहाँ के हैं, मारवाड़ के, और सिसोदिया कहाँ के हैं, मेवाड़ के। तो इनके बीच भी गठबंधन होता है अजीत सिंह को बचाने के लिए औरंगजेब के चंगुल से। तो मेवाड़ के रासिम ने दुर्गादास राठौड़ की जो है यहाँ पर सहायता की थी, अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाया था। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किसके प्रयासों से हुआ, ये हुआ दुर्गादास के प्रयासों से। ध्यान रखें, दुर्गादास ने औरंगजेब के पुत्र जो शहजादा अकबर था इसको भी लालच दिया बादशाह बनाने का। तो दुर्गादास ने शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सब मुतेन निस्सा को अपने पास रखकर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय किया और औरंगजेब के विरुद्ध कर दिया था। तो दुर्गादास अपने अंतिम दिनों में जो है वो शिप्रा नदी उज्जैन में रहे थे और यही इनकी जो है वो मृत्यु होती है। तो दुर्गादास राठौड़ जो कि आजीवन जो है वो अजीत सिंह के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है याद रखिएगा, उज्जैन कहाँ पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी यहाँ पर ही आकर अंतिम दिनों में रहते हैं और यही इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखें अजीत सिंह किसके बेटे हैं, ये हैं जसवंत सिंह के बेटे, संरक्षक दुर्गादास राठौर रहे और पुत्र इनके दो थे अभय सिंह और भक्त सिंह। इनकी पुत्री का नाम था इंद्र कुबरी और जिसका विवाह जो है वो परोक्षीय से हुआ था। तो हमने देखा कि मारवाड़ में सबसे पहले विवाह जो है करते हैं मोटा राजा उदय सिंह अपनी बेटी का, ठीक है, मुगलों के साथ में। और ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह था इंद्र कुंवर और परोक्षीय के साथ में। नोट में देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको याद आ सके कि
कि प्रथम राजपूत मुगल विवाह जो हुआ था आमेर के भारमल की पुत्री का विवाह अकबर से, ठीक है, जिनका क्या नाम था, हरका बाई था। तो आमेर जो है उनको हम पढ़ेंगे, जब आमेर के राजपूत शासक जब दोबारा से, आप ये जानेंगे कि भारमल की पुत्री जो हरका बाई थी उसका विवाह किसके साथ हुआ था, अकबर के साथ में हुआ था। नेक्स्ट देखिए अभय सिंह, इनके पिता का नाम था अजीत सिंह। और अभय सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, खेजड़ली कांड, जब खेजड़ली गांव में गिरधारी दास जो था उसने जो है वृक्ष काटने का आदेश दिया था, और खेजड़ली गांव कहाँ है, जोधपुर में है, उस समय शासक कौन थे, अभय सिंह थे। खेजड़ली गांव में बिश्नोई संप्रदाय के लोग रहते थे, और अमृता देवी और उनके पति रामो जी सहित 363 व्यक्तियों ने वृक्षों की रक्षा हेतु यहाँ पर बलिदान दिया था। तो ये वृक्षों से जो है वो चिपक गए थे कि वृक्ष जो है वो नहीं काटने देंगे। उस दिन जो है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी थी, और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है यहाँ जोधपुर में खेजड़ली गांव में लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा खेजड़ली कांड जो है किससे संबंधित है, जोधपुर से। उस समय अभय सिंह जो है यहाँ के शासक रहे, आदेश जिसने दिया था उसका नाम क्या था, गिरधारी लाल। तो इस तरीके से जोधपुर के जितने भी महत्वपूर्ण शासक थे तो हमने पढ़ लिए, जोधपुर के राठौड़ शासक। और अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जोधपुर से ही एक शाखा राठौड़ की कहाँ पर बस गई थी, जाकर बीकानेर में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बीकानेर के जो महत्वपूर्ण राठौड़ शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कि बीकानेर जो कि राव बीका ने बसाया था। तो चलिए तब तक रिवाइज करिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट जो है इनको पढ़िएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।